की, जहां पानीपत शहर की देसराज कॉलोनी में मंगलवार सुबह एक फैक्ट्री में आग लग गई। संदिग्ध परिस्थितियों में उठी चिंगारी से आग लगी और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग का गोला में तब्दील हो गई। आग लगने की सूचना पड़ोसियों ने फैक्ट्री मालिक को दी। सूचना मिलते ही मौके पर मालिक पहुंचे और साथ ही इस बारे में दमकल को सूचित किया। दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे आग कम हो रही है। सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और आसपास के एरिया को खाली करवाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सराज कॉलोनी में कृष्णा वुलटेक्स नाम से ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री में मंगलवार सुबह ही अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और देखते ही देखते ये आग ने भयंकर रूप ले लिया। इसमें इस फैक्ट्री में दरी और कंबल बनाने का काम किया जाता है। गनीमत रही कि जिस वक्त आग लगी फैक्ट्री में कोई भी मजदूर काम पर नहीं था। इस भीषण आग में फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। दूसरे और फायर ब्रिगेड और दूसरी फैक्ट्री की छतों पर चढ़कर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हरियाणा से हमारे संवाददाता परवीन भारद्वाज से। परवीन, फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और इतने बड़े पैमाने पर इतने भीषण तरीके से आग लगी है कि इस पे क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बताना चाहेंगे सुबह 8 बजे की एक घटना है। देसराज कॉलोनी में आग का हुआ था। वोल्टेक्स जो फैक्ट्री थी उसमें आग लगी थी। देखते ही देखते भयंकर रूप आग में दान कर दिया और दरी जो कच्चा सामान था वो जलकर पूर्ण तरह से राख हो गया है। 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन फैक्ट्री में पूर्ण तरह से नुकसान हुआ है और सारा सामान जलकर राख हो गया है। गनीमत यह रही है कि किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ। जी, गनीमत रही प्रवीण कि वहां पे कोई उस वक्त मजदूर मौजूद नहीं थे, क्योंकि ये जो आग है काफी अहले सुबह लगी थी। जी बिल्कुल, सुबह ही आग लगने के कारण इतना भयंकर हादसा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है और जो स्थिति को देखते हुए आसपास का जो एरिया है उसे खाली करवाया गया है। आग इतनी भयंकर थी कि आग के लपटों ने पूरे जो फैक्ट्री की जो बिल्डिंग थी उसे भी पूर्ण तरह से बर्बाद कर दिया गया है। साथ ही साथ आग ने जो रूप धारण किया था वो इतना भयंकर था कि देखते ही देखते चंद मिनटों के अंदर ही फैक्ट्री में रखा सामान भी पूर्ण तरह से खाक हो गया है। परवीन, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी वो मौके पर पहुंचे थे और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान फैक्ट्री में बहुत ज्यादा है। जी, कितने के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है? जी देखिए, अभी तक जो फैक्ट्री मालिक है वो मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि लाखों का नुकसान उनका हुआ है। कितना नुकसान हुआ है इसका आंकड़ा अभी तक मुहैया नहीं हुआ। जी परवीन, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।